Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of Limitation Act 1963, which is mentioned in our case mat. Case का नाम है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेज सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा. ये 1992 का केस है और ये जो केस है वो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 पे बेस्ड है. इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे फोकस करते हैं. इस केस का जो फैक्ट है वो ये है कि जो अपलेंट बैंक होता है वो रिस्पोंडेंट को 15,000 का लोन दिया रहता है 1984 में. तो रिस्पोंडेंट जो है सिक्योरिटी के तौर पे यानी गारंटी के तौर पे 24,000 का एफडी और सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो बैंक के यहाँ डिपॉजिट कर देता है. तो उसके बाद क्या होता है कि जो पैसा लिया रहता है वो पैसा डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है और ये जो रिस्पोंडेंट है वो बैंक को पैसा नहीं चुकाता है. उसके बाद जब इसी बीच में यानी कि 1988 में क्या होता है कि जो एफडी जमा किया रहता है बैंक के यहाँ एज ए सिक्योरिटी वो मैच्योर हो जाती है. तो जैसे ही एफडी मैच्योर होती है तो जो बैंक होता है वो 1988 में वो अपना लोन का जो पैसा है उसमें से काट लेता है. तो जब वो लोन का पैसा काट लेता है तो रिस्पोंडेंट इस पे बैंक पे ये कंटेंशन डालता है कि आपका जो लोन था मैंने 1984 में लोन लिया और मैं डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, तो आपका जो एक्शन लेने का जो समय था 1984 से 3 साल तक ही था यानी 1987 तक ही था और आपने जो एफडी से जो अमाउंट डिडक्ट किया है वो 1988 में किया है. तो आफ्टर लिमिटेशन पीरियड आपने ये काम किया है तो ये टाइम बार्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो. और इसी मामले को लेकर के दोनों कोर्ट जाते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो रूल ऑफ जो लिमिटेशन एक्ट है वो लिटरली कहती है रूल ऑफ लिमिटेशन आर नॉट मीन टू डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ द पार्टी. यानी कि लिमिटेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है या ये रूल हैं वो पार्टी के राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं बल्कि रिमेडी को डिस्ट्रॉय करते हैं. सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ रिमेडी को बार करता है. यानी कि अगर आप लिमिटेशन पीरियड को आप ओवर कर देते हैं उसके बाद आते हैं तो आपका रिमेडी आपका डिस्ट्रॉय होता है, राइट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. राइट तब तक सस्टेन रहता है जब तक के आपके राइट अचीव नहीं हो जाते हैं. तो यानी कि जैसे ही सॉरी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बैंक के पास रिमेडी चली गई थी लिमिटेशन ओवर होने के बाद, लेकिन राइट तभी भी उस वक्त भी थी. अब चूंकि जैसे ही आपका जो एफडी है मैच्योर हुआ तो उसने अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अमाउंट को डिडक्ट किया है, इसलिए आप इसके अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये टाइम बार्ड एक्शन था. ये उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया है, रिमेडी को एक्सरसाइज नहीं किया. और लिमिटेशन एक्ट जो है वो रिमेडी को बार करती है, राइट को बार नहीं करती है. और दूसरी बात यह है कि जो एफडी जो डिडक्ट किया है वो बैंक की ही कस्टडी में था, आपसे छीन करके डिडक्ट नहीं किया गया है. तो आपके भी राइट का वायलेशन नहीं हुआ है. यानी कि जो रिस्पोंडेंट थे उसके भी राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ. आपने खुद एफडी को बैंक में डिपॉजिट किया था ताकि बैंक समय आने पे आपके एफडी से जो सच अमाउंट है वो डिडक्ट कर ले. तो इस तरह से इस केस का जो मेन पॉइंट है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ रिमेडी को ख़त्म करती है, रेमेडी को डिस्ट्रॉय करती है, राइट को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करती है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी. और आगे का वीडियो जो है वो एग्ज़ाम से पहले लिमिटेशन के सारे वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ. थैंक यू सो मच.